हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज नैंसी एंड यू आर वाचिंग नैटी नैंसी. सो फ्रेंड्स, सब लोग पूछ रहे हैं कि मसूरी कैसा था, मसूरी का एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमे और मसूरी जाने का सही रूट क्या है. ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही क्यों ना शेयर कर दूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था मसूरी का. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पहले तो अराउंड सुबह 4:30 या 4 बजे हम घर से निकले. सुबह के 3:30 बजे हम घर से निकल रहे थे और बाहर एकदम अंधेरा सा था. यहाँ पे भी दिल्ली में इतनी ठंडी थी, मैं तो यही सोच रही थी कि जब यहाँ इतनी ठंड है तो वहाँ मसूरी में क्या हाल होगा हमारा. बाहर ओस गिर रही थी और विजिबिलिटी उतना कुछ खास नहीं था. बट हाँ, सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि रोड एकदम खाली खाली सा था और हम एकदम सही टाइम पे निकले थे. मैं आपको एक सजेशन दूँ, अगर आप कोई भी हिल स्टेशन जा रहे हो, मसूरी, नैनीताल, इवन आप हरिद्वार भी जा रहे हो ना, तो सुबह जल्दी निकलो घर से, तो जो मेजर ट्रैफिक है ना उससे आप बच जाओगे. तो हमने भी यही वाला ट्रिक अपनाया और हम सुबह जल्दी निकले घर से. पर सुबह घर से निकलने का एक डिमेरिट भी है, क्योंकि ठंड में सुबह सुबह काफ़ी नींद आती है. तो इस बात का भी ध्यान रखना आप कि पहले अपनी नींद पूरी कर ले, उसके बाद फिर सुबह जल्दी घर से निकले. तो रास्ते में कई सारे टोल प्लाजा आए और हम, मैं, विवेक और हमारे दोस्त फ्रेंड यानी आदि और अनु, जिन्हें आपने नैनीताल वाले ट्रिप में भी देखा होगा, वो भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे. तो हम चारों आधी नींद में निकल पड़े थे घर से सुबह सुबह. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और चैनल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल का बेल आइकन भी हिट कर देना, ताकि आगे जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए. हम क्रिसमस वाले वीकेंड में ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि एक दिन क्रिसमस की भी छुट्टी थी और बीच में वीकेंड भी आ रहा था. तो एक 3 दिन की अच्छी टाइम हमें मिल गई थी एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिप करने का मसूरी का. तो इसी 3 दिन की छुट्टी में हम निकल पड़े थे पहाड़ों में और चलते चलते कब हरिद्वार पहुंच गए और सामने गंगा मैया के दर्शन हो गए पता ही नहीं चला. और यहाँ पे स्काई आप देख रहे हो ना, कितना क्लियर था, इतना क्लियर स्काई और इतना सुंदर वेदर. सच में देख के बहुत अच्छा लगता है जब आप दिल्ली में इतनी पॉल्यूशन में रहते हो और ऐसे खुली हवा में सांस लेते हो ना, तो मानो जैसे कि पूरा लंग्स फिल्टर हो जाता है. हम आराम आराम से ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं थी. हमने रास्ते में ब्रेक लिया, हमने ब्रेकफास्ट किया और सबसे बेस्ट पार्ट था कि हमने घर से खाना बना के लाया था, तो हमें कहीं भी होटल या फिर ढाबे पे रुकने का झमेला नहीं था. हम रास्ते में कहीं भी रुकते थे, खाते थे, आराम करते थे, इंजॉय करते करते हम चल पड़े पहाड़ों में. देख रहे हो ना, मसूरी अभी बस 43 किलोमीटर ही दूर है. मसूरी जाने का सबसे बेस्ट रूट है कि आप दिल्ली से बाय रोड जाओ, या फिर आप देहरादून से भी जा सकते हो. आप देहरादून तक बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट से जा सकते हो. तो अगर आपको मसूरी जाना है और आप मसूरी जाने का प्लान कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है. और अगर आप मसूरी पहले जा चुके हो तो वो भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना. तो देखते ही देखते हम आ गए पहाड़ों में. देहरादून सिटी क्रॉस करते हुए हम चल पड़े मसूरी की ओर. मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, दिन में धूप थी और धूप देख करके सच में अच्छा लग रहा था. ऐसा लग रहा था मानो ठंड तो थोड़ी कम होगी दिल्ली से, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था. दिन में अच्छी धूप थी पर हवा भी बहुत ठंडी ठंडी सी थी, और हम बस ये सोच रहे थे कि रात में कितनी ठंडी होगी जब दिन में ऐसा मौसम है. हिल्स में ड्राइव करना इतना इजी नहीं होता अगर सामने से गाड़ी, बस और बड़े बड़े ट्रक्स चल रहे हों तो. पर फिर भी हम आराम से धीरे धीरे ड्राइव करते करते पहुंच गए मसूरी. और ये मंदिर आप देख रहे हो, ये मसूरी का फेमस टेंपल है. यहाँ पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम चलते हैं अपनी होटल में, वहाँ जाके चेक इन करते हैं, उसके बाद फिर आगे मसूरी का जर्नी कंटिन्यू करते हैं. सुबह के 3:30-4 बजे हम घर से निकले थे और एकदम 10:30-11 बजे के आसपास हम मसूरी एंटर कर चुके थे. और यही तो बेस्ट टाइम होता है ना मसूरी एंटर करने का, क्योंकि होटल चेक इन भी तो इसी टाइम पे होती है.
मसूरी एंटर करने के बाद हमें 60 रुपीज़ का एक चार्ज पे करना रहता है वहाँ पे एंट्री के लिए, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है। तो वहाँ पे हमने वो टिकट ली और उसके बाद फिर हम आगे चल पड़े होटल की तरफ। उसके बाद जो व्यू हमें दिखा ना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। इतना सुंदर व्यू, इतना जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी बस पहाड़ ही पहाड़ और सिर्फ ग्रीनरी नज़र आ रही थी हमें, खुला आसमान और बहुत ही सुंदर सा व्यू। मानो मन कर रहा था कि मैं हमेशा के लिए बस यहीं रह जाऊँ, इतना सुंदर नज़ारा था। आज पता चला मुझे कि मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स क्यों कहते हैं। जब आप मसूरी जाओ ना तो कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ था या नहीं। तो अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ, वहाँ जा कर के थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे मसूरी घूमने के लिए और मैं आपको भी घुमाऊँगी अपने साथ पूरा मसूरी। तो वीडियो के साथ बने रहो। 2000 years later। तो थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद, थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े थे मसूरी का मॉल रोड घूमने और अभी टाइम हो रहा था 3:30 अराउंड। और जैसे ही हम मॉल रोड पहुँचे ना, इतनी ट्रैफिक, मानो हमने एक मिनट के लिए ये सोचा कि शायद हम गलत टाइम पे आ गए हैं पहाड़ों में घूमने के लिए। पर क्या था, घूमना ही था तो हम निकल पड़े थे मॉल रोड में थोड़ा सा वॉक करने के लिए और हमने कराई ढेर सारी फ़ोटोशूट। तो बस यहाँ पे फ़ोटोशूट कराने का ट्राई कर रहे थे। खींचे अरे खींचे ना खींचे बनाया। तो 2 दिनों के लिए हम यहाँ पे थे, सैटरडे संडे, और मंडे को हम रिटर्न जाने वाले थे। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को हम यहाँ पहुँचे अराउंड 11। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े मॉल रोड घूमने के लिए। तो आज हमारा प्लान था कि बस हम मॉल रोड में थोड़ा देर घूमेंगे, क्योंकि हम दिन भर ट्रैवल करके आ रहे थे तो थक गए थे और हमें आराम भी करना था। तो थोड़ा बहुत मॉल रोड घूमने के लिए हम निकल पड़े। और अगर आप भी दिल्ली से ऐसे ही आ रहे हो हमारी तरह 3 दिन के लिए, एक दिन आने का, एक दिन जाने का और एक दिन बीच में घूमने का, तो जैसे जैसे मैंने घूमा वैसे वैसे आप भी घूम सकते हो। ये बहुत ही अच्छा था और इससे हमने बहुत सारे जगहों को कवर किया। तो पहला दिन हम मॉल रोड में वॉक करने के लिए हम निकले, सेकेंड डे हम कहाँ कहाँ गए, थर्ड डे हमने क्या क्या किया, ये आपको सब मैं धीरे धीरे आगे वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो के साथ बने रहो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, ये व्यू देख रहे हो ना, कितना प्यारा व्यू था, क्योंकि अभी सनसेट का टाइम था और सन इतना सुंदर लग रहा था, मानो मैंने जैसे कि बहुत सही डिसीजन लिया हम मसूरी आए 3 दिन की छुट्टियों में एक अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो मसूरी आए हैं और मसूरी का फेमस मॉल रोड आए हैं, तो मॉल रोड की कुछ फेमस खाने पीने की जगह भी तो जाना बनता है ना। तो हमने मसूरी के मॉल रोड में खाए मोमोज़। हाँ, मोमोज़ खाए हमने, क्योंकि ठंड में मोमोज़ खाने का ना अलग ही मज़ा है। वॉक करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला और हमें दिखा ये प्यारा सा पुलिस स्टेशन। सच में ये पुलिस स्टेशन इतना सुंदर था ना, लग ही नहीं रहा था जैसे ये एक पुलिस स्टेशन है। आप कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको लग रहा है क्या कि ये एक पुलिस स्टेशन है। तो घूमते घूमते हम काफ़ी थक गए थे और अब घूमने का मन नहीं था, बस मन कर रहा था कि जा कर के सो जाए। रास्ते में कई जगह गवर्नमेंट की तरफ से ये आग जलाई गई थी ठंड भगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही थी सच में, मसूरी में काफ़ी ठंड थी। तो बस घूम के थक गए थे और हम वापस जा रहे थे अपने होटल की तरफ। तो वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करूँगी और आप वीडियो को ज़रूर देखना, नेक्स्ट वाला पार्ट मैं अपलोड करूँगी तब। तो वीडियो के साथ बने रहो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।